हेलो एवरीवन, मेरा नाम रोहन है और मैं इंडिया से हूँ। और मैं इस वक्त जो बैठा हूँ वो है इंडोनेशिया बाली के एक होटल में। और मेरी यहाँ तक की कहानी कैसे हुई, क्या हुआ, मैं आपको सब कुछ बताना चाहता हूँ। ये जो मेरा ब्लॉग है उस बनाने का रीज़न भी मैं आपको आज शेयर करने वाला हूँ कि मैं ये ब्लॉग क्यों बना रहा हूँ। सो बेसिकली मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो इंडोनेशियन है और हम लोग 2 साल से डेट कर रहे थे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन था हमारा, लॉकडाउन से चालू हुआ था तो फ़िलहाल अभी मिल नहीं सकते थे, आपको तो पता है कि कोरोना वायरस का प्रॉब्लम चल रहा था। तो फिलहाल अभी सब कुछ खुल चुका है तो फिर मैंने सोचा कि टिकट बुक कर लूँ और उसके बाद हम मिलते हैं। सो फाइनली हम लोग 16 नवंबर का जो दिन है आज हम मिल रहे हैं और एक दिन हो चुका है। मेरा यहाँ तक का जर्नी कैसे हुआ है मैं आपको सब बताना चाहता हूँ डिटेल। सबसे पहले मैं आपका फ़्लाइट टिकट्स आपको सब कुछ बता देता हूँ कि जो भी मेरा फ़्लाइट टिकट्स हुआ है, जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है। वो एक्चुअली मैं वीडियो वहाँ पे बना नहीं पाया था क्योंकि वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, उसके वजह से मेरा फ़ोन चल नहीं रहा था, थोड़ा इशूज़ हो गए थे। इसलिए इस वक्त मैं बाली में हूँ। आज एक दिन हो चुका है मुझे बाली में आके और इस वक्त मैं बाली के एक होटल में हूँ और डेनपसार जो एयरपोर्ट के नज़दीक ही है। तो फिलहाल आज हम लोग, एक्चुअली मैंने एक ही दिन का यहाँ पे बुक किया था क्योंकि हमारा प्लान था कि कोटा जाना है, तो कोटा में हमारा 2 दिन का स्टे होने वाला है। तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ मेरा जो भी एक्सपीरियंस हुआ है, कैसे मतलब क्या है, क्या क्या उन्होंने प्रोसेस में इंडोनेशिया में मुझसे पूछा था, तो आज आपको इस वीडियो के थ्रू मैं सब कुछ बता दूंगा। डेनपसार से मुझे यहाँ का टिकट मुंबई से पड़ा है 15,700 में। मैंने मुझे आई थिंक क्लियर ट्रिप के थ्रू पड़ा था तो आई थिंक उतना ही पड़ता है कंपेयर टू ली। पर मैंने VietJet का फ़्लाइट लिया था तो ये जो फ़्लाइट था थोड़ा हैक्टिक था, मतलब क्योंकि मुझे पहले वियतनाम में होचीमिन में हॉल्ट करना पड़ा, वहाँ से मेरा कनेक्टिंग फ़्लाइट था बाली के लिए। तो बाली का जो जहाँ पे मुझे पहुँचना था वहाँ पे पहुँचने के लिए आई थिंक मुझे 12 से 13 घंटे लग गए थे क्योंकि हॉल्ट था। जैसे मैंने आपको बताया कि 7 घंटे लगे मुझे वियतनाम पहुँचने में, सुबह 7 बजे मैं वियतनाम पहुँचा। उसके बाद मैंने वहाँ से 3 घंटे आई थिंक मैंने एयरपोर्ट में हॉल्ट किया, वहाँ से मुझे कनेक्टिंग फ़्लाइट मिली है और वो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी इंडोनेशिया डेनपसार की। तो फाइनली मैं दोपहर को 17 तारीख को 4 बजे पहुँचा। फिर वहाँ से मैंने एयरपोर्ट से अपनी गर्लफ्रेंड को मैंने कॉल किया क्योंकि मेरे पास इंटरनेट भी नहीं था और जैसे आपको पता है कि फॉरेन कंट्रीज़ में टूरिस्ट सिम बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, खास करके आप अगर एयरपोर्ट से ले होगे तो कभी भी आप यहाँ पे आते हो तो एयरपोर्ट से कभी मत लेना क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होता है और आपको ये नहीं परोड़ने वाला है मेरे हिसाब से। अगर आप ले रहे हो तो आप एक काम कर सकते हैं, मतलब एयरपोर्ट से बाहर आइए और जब अपने अपने होटल्स के करीब आप इधर जाओगे वहाँ पे कोई भी मार्केट होगा, स्टोर्स होगा, वहाँ पे देखिए, थोड़ा छानबीन कीजिए, R&D कीजिए और वहाँ पे आप रेट्स पता लगा सकते हैं तो आपको सस्ते में, काफ़ी सस्ते में आपको सिम कार्ड मिल जाएंगे। मेरा सजेशन ये है। तो इस वक्त मैं बैठा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, बाली के डेनपसार के होटल में और हम लोग यहाँ पे एक्चुअली आज चेकआउट करने वाले हैं। इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 10:30 और 12 बजे का चेकआउट है। और कोटा में मैंने 2 दिन का एक रूम बुक किया है, वहाँ पे भी आपको लेके जाऊँगा। तो मैं आपको जैसे बता रहा था कि मैंने वियतनाम से कनेक्टिंग फ़्लाइट जो ली थी वो 4 बजे बाली पहुँच गया था। फिर मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिला, फिर हमने होटल, मैंने सिर्फ 0.5 किलोमीटर था, हमें सिर्फ रात बिताना था, दैट्स इट। और वहाँ पे हम लोग एयरपोर्ट से हम लोग यहाँ पे आ गए। तो फ़िलहाल अभी वेट कर रहे हैं, हमारे नेक्स्ट जो ट्रिप है वो है कोटा। कोटा को एक्सप्लोर करना है, देखना है कोटा में क्या है। तो जो भी मैं कोटा में देखूंगा, हम घूमेंगे फिरेंगे, जो भी रहेगा आपको इस वीडियो के थ्रू मैं ज़रूर शेयर करूँगा। फ़िलहाल हम लोग होटल में रुके, मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो तैयार हो रही है, कम से कम आधे घंटे से मेकअप कर रही है, तो मैं उसका ही वेट कर रहा हूँ कि जाए बाहर, फिर उसके बाद कुछ नाश्ता पानी करें। मैंने कल मनी एक्सचेंज भी नहीं कराया था पर मुझे कराना पड़ा क्योंकि $50 मैंने एक्सचेंज करा था क्योंकि मैंने डॉलर्स कैरी किए थे। तो मैंने आपको एक चीज़ तो बताना भूल गया कि इंडोनेशिया में और मुंबई के एयरपोर्ट में मेरा प्रोसेस क्या रहा। अब करते हैं काम की बात। जैसे मैं मुंबई एयरपोर्ट में पहुंचा, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए थे, आपको बता देता हूँ। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स पहले ही प्रिंट आउट करके मैंने ये ले लिए थे क्योंकि मेरा मल्टीपल कंट्रीज़ था। तो मुझे ऐसा नहीं था कि मोबाइल में टिकट्स उनको एक एक करके दिखाओ, फिर वो लोग पूछे कि होटल स्टे दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। तो जैसे ही मैं बोर्डिंग चेकिंग के अंदर मुंबई में गया, वहाँ पे मुझे एयरपोर्ट में जब मेरा बोर्डिंग चेक इन हो रहा था तो वो लोग ने पहले मेरा बैग चेक किया। बैग मेरा सिर्फ 7 kg का था, तो मैंने बोला ठीक है 7 kg, मेरा 7.4 था, पर उन्होंने जो 400 grams था उसका उन्होंने कुछ बोला नहीं, ठीक है। उसके बाद जो उन्होंने मुझे पूछा आप कहाँ से, कहाँ पे जा रहे हो, कब आने वाले हो, तो मैंने उन्होंने बोला देखिए मेरा बाली में 2 हफ्ते का स्टे है, उसके बाद बैंकॉक में है, फिर उसके बाद वियतनाम में है। तो उन्होंने टिकट्स पूछा,
तो मैंने उन्हें टिकट्स भी दिखाए, तो मैंने अपना पूरा प्रिंटआउट निकाल लिया था टिकट्स के, सारे टिकट्स के प्रिंटआउट निकाल लिए थे। होटल का मैंने, जैसे मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने booking.com से होटल बुकिंग किए थे, मैंने एक्चुअली पूरा बुकिंग करके रख लिया था, क्योंकि मुझे ऐसे किसने बोला था कि यार पूरा बुकिंग कर ले, इनके सभी का जो टाइम है कोविड का टाइम चल रहा है तो पूरा बुकिंग करना ही सेफ होगा। तो मैंने एक्चुअली क्या कर लिया था, मैंने पूरा बुकिंग कर लिया था ऐसे ही, मतलब फेक रिजर्वेशन, ना कि वहाँ पे दिखा सकूँ अगर इनकेस पूछते हैं तो, क्योंकि मुझे कोई रिस्क नहीं लेना था, तो अपने तरफ से मैंने कर लिया। तो वहाँ पे मुझे टिकट्स पूछे, कितने दिन का स्टे मैंने आपको जैसे बता दिया, मेरा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी देखा उन्होंने और बैग चेकिंग करके फिर मुझे अंदर भेज दिया। फिर उसके बाद मैं चेकिंग जैसे हो गया, मैंने आपको बता दिया, उसके बाद हम लोग मैं गया इमिग्रेशन में, वहाँ पे एक्चुअली मेरा कुछ नहीं पूछा, डॉक्यूमेंट्स तो मेरे हाथ में ही थे, इनकेस वही पूछते तो मेरे पास पूरे टिकट्स के डॉक्यूमेंट्स थे और बुकिंग्स भी थे। इमिग्रेशन में एक लेडी थी, उन्होंने सीधा मेरा चेक पूछा कि कहाँ पे जा रहे हो, मैंने बोला मैं बाली में जा रहा हूँ, तो उन्होंने सीधा स्टैम्प मारा और मुझे अंदर भेज दिया। फिर मैंने, जैसे मेरे एयरपोर्ट फ्लाइट्स की बात है जो मैंने आपको बता दिया है, मेरा फ़्लाइट्स रात की 12 बजे की थी, 12:20 की, जो बाली के लिए थी, तो मेरा कनेक्टिंग फ्लाइट था वियतनाम, वहाँ पर 3 घंटा हॉल्ट और उसके बाद मैं जाऊँगा बाली। और मैं आपको बता देता हूँ कि जब मैं वियतनाम में उतरा, वहाँ से हमें फटाफट मुझे ट्रांसफ़र किया और वहाँ पे भी एक सिक्योरिटी चेकिंग हुआ मेरा लगेज का, और कुछ नहीं हुआ। फिर सीधा हम लोग एयरपोर्ट में, जो मेरा गेट नंबर था फ्लाइट का, मैं वहाँ पे जाके बैठ गया, फ्रेशन अप हुआ और वहाँ पे उसके बाद 3 घंटे के बाद मेरी फ़्लाइट वहाँ पे आ गई। फिर हम लोग वहाँ से बस करके हमें वहाँ से फ़्लाइट के नज़दीक लेके गए। फ़्लाइट में आई थिंक मुझे 3 घंटे लगे बाली पहुंचने के लिए, और मैं आई थिंक सुबह 9:45 का मेरा फ़्लाइट जो वहाँ से स्टार्ट हुआ है, मैं पहुंचा वो बाली करीबन 1:15। उसके बाद वहाँ से बाली पहुंचने के बाद बाली में क्या क्या सवाल पूछे मैं आपको बता देता हूँ। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाली में क्या क्या लग रहा है। तो सबसे पहले हम लोग, जैसे ही मैंने बाली में एंटर किया, सबसे उन्होंने मुझे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने बोले थे एयरपोर्ट के अंदर, मैंने अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखा दिया 2 डोज का, और उसके बाद हम अंदर गए, वहाँ पे वीज़ा ऑन पे अराइवल लिखा था, वहाँ पे कुछ नहीं पूछा गाइस मेरे से, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, पर ये नहीं कि आप डॉक्यूमेंट्स कैरी मत करना, बेफिक्र होके जाना, वहाँ पे कुछ पूछा नहीं था, वहाँ पे सिर्फ मुझसे इतना पूछा कि हाउ मेनी डेज यू गोइंग टू स्टे, तो मैंने बोला कि मेरा 2 वीक्स का प्लान है बाली के लिए। ओके, सो उन्होंने सीधा बोला $35, तो मैंने बोला कि मेरे पास $35 थे, मैंने उन्हें डॉलर्स में कैश पेमेंट कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने मुझे जो, मैंने उन्हें $40 दिए और उन्होंने $5 चेंज इंडोनेशियन रुपया में दे दिया, मैंने बोला हाँ चलेगा मुझे वही चाहिए, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली कुछ पैसे नहीं थे। और अभी आता है कि वहाँ पे सबसे बड़ी कि टूरिस्ट सिम लेना, तो मैंने एयरपोर्ट से टूरिस्ट सिम नहीं लिया, अगर टूरिस्ट सिम ले लेता तो शायद मैं गोजेक या ग्रैब, यहाँ पे 2 चीज़ चलता है बहुत फेमस, जैसे हमारे इधर ओला एंड उबेर चलता है, वहाँ यहाँ पे चलता है ग्रैब और गोजेक। तो आप यहाँ पे कभी भी आते हो तो टूरिस्ट सिम लेते हो तो ये दोनों ऐप्स डाउनलोड कर लो, फिर आपको जो भी डिस्टेंस किलोमीटर रहेगा सेम अपना उबेर ओला का जो फंडा है वही है, तो आपको इसमें मालूम पड़ जाएगा कि क्या है, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो खाली मतलब टूरिस्ट सिम लेना है, पर टूरिस्ट सिम का जैसे मैंने आपको बताया एयरपोर्ट में कॉस्टली है, आप बाहर आके ढूंढिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए, आपको सस्ते में मिल जाएगा। फिलहाल मैंने अभी अपना टूरिस्ट सिम लिया नहीं है, मैं आपको फ्रेंकली बोलता हूँ कि मैं अपने गर्लफ्रेंड का, जो मेरी गर्लफ्रेंड के पास इंटरनेट है, वो यहाँ के रहने वाली है, जैसे मैंने आपको बताया शी इज़ इंडोनेशियन, तो हम लोग मैं उसका नेट शेयर कर रहा हूँ, और फिलहाल तो मैं होटल में बैठा हूँ तो यहाँ पे फ्री वाईफाई मिल जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे शायद बाली के लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर हाँ दूसरे कंट्रीज़ में मैं जब जाऊँगा तभी वहाँ पे मुझे टूरिस्ट सिम लेना पड़ेगा, तो वहाँ पे जब मैं लूँगा तो मैं आपको बता दूंगा मुझे क्या रेट्स में पड़ा है, फ़िलहाल तो नहीं पड़ा है, अभी देखते हैं। तो फिलहाल अभी सुबह के 11 बजने आ गए हैं, काफ़ी भूख भी लगी है, तो हम लोग पहले जाएंगे यहाँ पे कुछ खाने के लिए देखेंगे, और वहाँ से थोड़ा इंडोमार्ट में जाके थोड़ा पानी वानी जो भी सामान रहेगा ले लेंगे, और आई थिंक 12 बजे चेकआउट करने वाले हैं, फिलहाल और 1 घंटा है, तो 1 घंटे के बाद वहाँ से निकलेंगे और वहाँ से कोटा पहुँचूंगा, और कोटा मेरे होटल में क्या क्या है, मेरा होटल कैसा है, सब कुछ आपको बताऊंगा। फिलहाल मैंने आपको अपना रूम नहीं दिखाया, तो मैं आपको अपना रूम भी दिखा देता हूँ कि मेरा ये जो रूम है यहाँ पे, मैंने टेन बाजार के सामने जो रूम लिया है ये कैसा है। तो ये मेरा रूम है जैसे मैं आपको बता रहा था, अभी चलते हैं अंदर और देख, कल ही रात को हम लोग एक्चुअली लेट चेकिंग हुआ था, तो आप देख सकते हैं ये मेरा रूम है और ये मेरी गर्लफ्रेंड जो बाल सेट कर रही है आई थिंक, और
ये यहाँ पे खाली एयर कंडीशन मिला था। तो मैं आपको एक चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ जो आप देख रहे हो। ये आपको दिख रहा है, ये हाँ, ये जो सॉकेट है ये हमारे चार्जर में नहीं लगता। तो अगर जब भी आप बाली में आते हो तो एक ट्रैवल एडॉप्टर अपने साथ लेके घूमे, यूनिवर्सल ट्रैवल एडॉप्टर, जो आपको ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या कहाँ पे भी 200-300 में मिल जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब मैं आया मेरा चार्जर इसमें कनेक्ट नहीं हो रहा था तो मुझे चार्ज करने में बहुत प्रॉब्लम हुआ। और नसीब था कि मेरे पास पावर बैंक था तो मैंने उससे चार्ज किया, और मेरी गर्लफ्रेंड का जो चार्जर है वो इसके अंदर कनेक्ट होता है, पर हमारा जो इंडियन चार्जर है वो इसमें कनेक्ट नहीं होगा। तो एक यूनिवर्सल ट्रैवल एडॉप्टर अपने साथ कैरी करना, क्योंकि बाली में आपको काफ़ी होटलों में ऐसा ही सॉकेट मिलेगा। तो ये आपको बताना चाहूँगा। तो फिलहाल देख लेते ये बाथरूम है। बाथरूम भी ठीक ठाक ही है। एक्चुअली कल एक इंसिडेंट भी हुआ था मेरे साथ, और वो इंसिडेंट ये था कि जब हम लोग ने पहले रूम लिया और हम में चेक इन किए, मेरा रूम नंबर था 6, और इस रूम नंबर में जब हम लोग एंटर कर रहे थे, मेरे रूम में बाथरूम में डोर ही नहीं था, सिर्फ एक कर्टन लगाया था। तो मेरी गर्लफ्रेंड बोलती है जाने दे, छोड़ दे। मैं बोला काय को, पूरा पैसा दिया है भाई रूम में, आई थिंक तो काय को छोड़ना राइट। मैं जाके मैंने होटल के मैनेजर से बात किया, वो लेडी काफ़ी अच्छी थी, उन्होंने हमारा रूम चेंज किया और बोला कोई बात नहीं, डोर नहीं है, ओ सॉरी गलती से हो गया, तुम 6 के जगह पे 7 नंबर पे चले जाओ। उन्होंने मुझे चाबी दिया और 7 नंबर में हमें डोर मिल गया। फिर भी इस रूम का मैं आपको बताना चाहूँगा, इस रूम में भी मतलब ये रूम अच्छा है, यहाँ पे AC दिया है, एयर कंडीशन भी ठीक ठाक चल रहा है, रूम भी ठीक है, पर इसका जो बाथरूम जो इसका डोर फैसिलिटीज है वो इस बाथरूम में भी लॉक नहीं हो रहा, मैं आपको ये बताना चाहूँगा। तो थोड़ा प्रॉब्लम मुझे हो रहा है, पर बोलते ना सडन सिर्फ एक रात की बात थी, एडजस्ट करना था, तो उस हिसाब से मैंने बुकिंग कर लिया। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं कोटा, तो कोटा में जाएंगे और वहाँ पे जो भी एक्सपीरियंस होगा मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ज़रूर शेयर करूँगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो को अंत करने का टाइम आ गया है, तो सेकेंड ब्लॉग में मैं आपको पूरी चीज़ें जानकारी दूंगा कोटा के बारे में।